दोस्तों, आज जिस वॉकमैन के रिव्यू के लिए मैंने चुना है वो है सोनी का रेडियो वाला वॉकमैन। इसमें एम और एफएम दोनों रिव्यूज भी है और साथ में कैसेट भी प्ले होता है। मॉडल नंबर है WM-FX-101 और इसके फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं कि एफएम और एम के फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यहाँ विंडो दिया हुआ है, एंटी रोलर मैकेनिज्म, मतलब कैसेट आपका फंसेगा नहीं। इसके साथ में ये काफ़ी क्लीन लुक है। यहाँ पे सीरियल नंबर, जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ मैं कि पहले के जो जेन्यून वॉकमैन आते थे ब्रांडेड, उनमें ये सीरियल नंबर आता था चेक करने के लिए कि ये जेन्यून है कि नहीं। टॉप की तरफ टेप एम एफएम माइक्रो सेलेक्टर स्विचेस हैं, एक स्विच है। इसके अलावा प्ले, पास फॉरवर्ड, रिवाइंड और स्टॉप है। साइड में कंट्रोल की बात करें तो ट्यूनर, वॉल्यूम रॉकर और कैसेट सेलेक्शन, मतलब क्रोम, मेटल या नॉर्मल जो भी कैसेट आप प्ले करेंगे तो उस कैसेट के हिसाब से इसको आप सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे अवेलेबल लिमिट है जिसकी मदद से आप अपने कानों को सेव कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो अचानक तो तुरंत नहीं, इसको 1, 2, 3 या ऑफ, 1, 2 या ऑफ में सेलेक्ट कर लीजिए। ऑफ करिएगा तो फुल वॉल्यूम आएगा, 1 करिएगा तो हाफ, 2 पे सेलेक्ट करिएगा तो उसका हाफ यानी 1/4 पे वॉल्यूम चला जाएगा। तो कानों के लिए काफ़ी आरामदायक है ये। अभी दोस्तों इसमें मैंने बेल्ट नहीं डाला है, इसमें पुराना ही बेल्ट पड़ा हुआ है, लेकिन अभी इसका रिव्यू करना था इसलिए मैंने इसको आपके सामने प्ले करने का सोचा है। तो जब भी जिनको ये लेना रहेगा तो उनको ये प्रॉपर ट्यून करके मिलेगा, इसमें बेल्ट लगा के मिलेगा, नया बेल्ट रिप्लेस होके। तो अभी मैं सिर्फ आपको प्ले करके दिखाता हूँ। रेडियो तो खैर सुन ही लेंगे आप, सुना ही सकता हूँ मैं, और वॉकमैन भी ट्राई करो मैं आपको सुनाऊँ। पिच थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि इसमें बेल्ट डाले हुए नहीं हैं, पुराने बेल्ट हैं, काफ़ी लूज़ है, तो इसीलिए आवाज़ भी आपको वैसी ही सुनाई देगी। बेल्ट लगता है अंदर से टूट गया बराबर, तो बेल्ट इसका दोस्तों निकल गया है। हाँ दोस्तों, इसका बेल्ट निकल गया है, तो अभी इसको सुना भी नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको एम और एफएम की क्वालिटी सुना देता हूँ मैं। दोस्तों एम ही कैच किया है, एफएम कैच नहीं किया, क्योंकि ये जो ईयरफोन का जो वायर है वो एंटीना के जैसा एक्ट करता है और इसकी लेंथ छोटी है, इसीलिए एफएम को कैच नहीं कर पा रहा है। एम तो मैंने आपको सुना दिया है, काफ़ी इनबिल्ट जो इसकी सर्किटरी है उसमें इनबिल्ट बेस है, आपको दिखाया था मैंने उस समय, मार्क करवाया था। ये देखिए अपने आप वाइब्रेशन से मूव हो रहा था। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ये पीस है, आपको भी अगर ये लेना हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।